नहीं, मास्टर पढ़ा रहे थे राजस्थान के स्कूल में, तो मास्टर ने विद्यार्थियों से पूछा कि कहा कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको 100 नंबर मिले। अब झूठी तो वह बोलना। पहला विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोले सुनो सर। बोले क्या? बोले आज हमने हवाई जहाज को रोड पे चलाया। मास्टर बोले वाह बहुत अच्छा। दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला सर जी। बोले हाँ। बोले आज हमने चित्रपट देखी। बोले क्या देखी? बोले आज हमने पूरी ट्रेन अपने घर में धरी। मास्टर बोले बहुत अच्छा। तीसरा विद्यार्थी तो बहुत खतरनाक ही निकला। तीसरा विद्यार्थी बोला सर जी। बोले हाँ। बोले आज हम अभी अभी अपने बाप की शादी में डांस करके आए। चौथा विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला सर जी हमने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा? बोले एक कमरा, एक और दो माताएं बैठी हैं लेकिन चुप बैठी। मास्टर ने उस व्यक्ति को 100 नंबर देकर पास कर। आजकल तो वो चला पिज्जा, पिज्जा खा रहे। अब पिज्जा में वो सफेद सफेद ऐसा डला रहता है। हमको तो राम जी बड़ी घृणा आती है पिज्जा का नाम सुनते ही। उसको पिज्जा दो रोटी के ऊपर बीच में जो सफेद सफेद रहता है ऐसे लगता है जैसे छोटे बच्चे ने। और एकदम उसकी कला, उसकी उसकी डिजाइन भी एकदम बेहतरीन। जब वो खाते हैं, अभी हम विदेश गए, हमने देखा, हम अभी विदेश गए, हमने देखा एक अंग्रेजन, अंग्रेजन पिज्जा की दुकान पे बाहर खड़ी हो पिज्जा खा रही है। छोटा बच्चा हो नहीं हमने मार लिया। हमने एक बगल में बैठी, हमने उनसे पूछा, हमने यही है पिज्जा? बोले हाँ यही पिज्जा है। पिज्जा जिन्होंने भी घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके नियम का पालन किया। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद, ये बिल्कुल पक्का नियम है। अब तुम 6 दिन पियो पौगा लाल को, 6 दिन पियो तुम बिस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ठटरी के बरे न कटा। फिर कहो गुरु जी हमारा काम सफल ठटरी के बरे है। अरे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं आज तक बागेश्वर धाम से कोई निराश नहीं आया, रोता हुआ गया, हंसता हुआ आया, तुम भी हंसते हुए आओगे।